नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हिमाचल के रंग बिरंगे रंगों से तो करवाते ही हैं, लेकिन साथ ही हर बार हम एक नए रंग के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज भी हम ऐसे ही एक नए रंग के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो दर्शकों, आज हम हिमाचल के किस रंग के बारे में बात करेंगे? तो आज हम बात करेंगे संगीत के बारे में। जी हाँ दर्शकों, संगीत के बारे में। जब भी हम संगीत की बात करते हैं तो मन करता है झूम उठे और संगीत हम सुने। तो दर्शकों, आइए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आज जिस विषय पे हम बात करेंगे उस विषय का नाम है किन्नौर के गीत व लोकगीत, और इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान होगी प्रभु नेगी जी से, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर है। तो आइए हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। सर, जैसे कि आज हम बात करेंगे संगीत के बारे में, म्यूज़िक के बारे में हम बात करेंगे, तो हम जैसे कि देखते हैं हर कलाकार अपने संगीत के साथ जुड़ा होता है और सबकी एक अपनी समझ होती है अपनी कला के लिए। तो पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि आप संगीत को किस तरह से समझते हैं और किस तरह से बयां करना चाहेंगे? देखिए मैम, संगीत तो एक ऐसी चीज़ है जो बोलते कि सुख दुख का दोनों का साथी है, तो बिना संगीत के तो लाइव बहुत मुश्किल है। जैसे कोई इंसान अगर खुश है तब भी वो गा रहा है, अगर वो इंसान अगर परेशान है तो फिर भी वो गुनगुना रहा है। तो म्यूज़िक के तो जो फ़ायदे हैं मैम बहुत सारे हैं, नुकसान एडवांटेजेस मेरे हिसाब से बहुत कम है। तो संगीत के फ़ायदे मैं बताऊं आपको कि संगीत के बिना जीना मुश्किल है जी। और दूसरी बात है कि म्यूज़िक जो है इंसान का एक पहलू है, इंसान के जो लाइफ का एक पहलू है। देखिए आज का जो यूथ है ना, तो वो ऐसे भी हैं कई कि नशे की तरफ जा रहे हैं जी। है ना, और कुछ बुरी आदतों में जा रहे हैं। तो ये है कि अगर आप संगीत को अपनाते हैं तो संगीत आपको अट्रैक्ट करेगा, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करेगा जी। तो संगीत के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं मैम। जी बिल्कुल सर, जैसे कि हम आज बात करेंगे संगीत की, तो थोड़ा सा हम आपके बारे में जानने से जो है वो शुरुआत करेंगे। तो हम जब भी जाते हैं तो थोड़ा सा हम आपको बचपन की तरफ लेके चलते हैं, और अगर बात करें हम आपकी स्कूलिंग की तो आपकी स्कूलिंग किस तरह से हुई, और अगर हम स्कूल में इंटरेस्ट की बात करें तो किस तरह के इंटरेस्ट थे आपके? मैम देखो, मैं बेसिकली किन्नौर से हूँ जी, रिब्बा गाँव से जी। काफ़ी बड़ा गाँव है हमारा जो रिब्बा गाँव, तो मेरी बर्थ उधर हुई है रिब्बा गाँव में, तो स्कूलिंग भी मेरे ही गांव में हुई है रिब्बा गांव में। तो जैसे स्कूलिंग हुई तो जैसे मैं फिफ्थ क्लास तक पहुंचा जी। तो स्कूल में जैसे वो एक्टिविटीज़ होते हैं बाल सभा नाम का कुछ ऐसे उस टाइम हुआ जी, करता जी। था, तो उसमें ऐसे था कि जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं गाने बजाने के तो उनको मौका दिया जाता था शनिवार के शाम को एक घंटा या दो घंटा। तो बस स्टार्टिंग मेरी उधर से ही हुई, जैसे मेरे टीचर्स थे तो स्कूल में छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे तो बच्चे गाते थे और मैं एकॉम्पनी करता था उनके साथ, तो इस ऐसे ऐसे करके स्टार्ट हुई मेरी म्यूज़िकल जर्नी जी। तो स्कूल के बाद जो घर की बात बताऊं मैं, तो हल्का फुल्का जो संगीत का माहौल था मेरे घर पे भी था। मेरे बड़े भाई लेट इंजीनियर ML नेगी जी, वो एक बहुत अच्छे लेवल के कंपोज़र थे जी। देखो प्रोफेशन तो उनका था नहीं ये, वो एक इंजीनियर थे तो उनको बहुत शौक़ था जी। तो घर में ही मतलब एक रूम में उन्होंने अपना सेटअप सा लगा के रखा था और उस पर वो अपना कंपोज करते थे, गाते बजाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। मतलब कि मतलब हम बाहर से ही सुनते रहते थे कि ये क्या कर रहे हो, जब हम जाते थे अंदर तो थोड़ी देर के बाद वो बोलते थे चलो चलो निकलो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, है ना। तो उसके बाद जैसे मेरी मम्मी की बात करूँ, मम्मी पापा की बात करूँ, तो वो भी म्यूज़िकल थे। मेरी मम्मी गाते थे, गुनगुनाते थे, बहुत अच्छा गाते थे वो भी। तो उसके बाद जो मेरे भाई दूसरे और भाई थे लेट श्री इंदर नेगी जी, उनमें भी म्यूज़िकल टैलेंट बहुत था मैम, तो उन्होंने भी काफ़ी बताया कि ये होता है मतलब इस टाइप से गाते हैं, इस टाइप से वो कंपोज वगैरह जो करते हैं। तो उसके बाद मैं थर्ड ब्रदर की बात बताऊँ अपनी, लेट श्री RL नेगी जी जो पुलिस में जॉब करते थे, उनमें भी ये चीज़ था म्यूज़िकल टैलेंट
मतलब कहा जाए तो जो म्यूजिक है वो बचपन से ही आपके बचपन साथ से ही और साथ रहा। फैमिली में ही जो है म्यूजिक की आपकी स्टार्टिंग हाँ जी हुई। स्टार्टिंग फैमिली तो से। सर अगर हम बात करें जैसे स्कूलिंग में आपने बताया कि बाल सभा होती थी, सैटरडे को किस तरह से जो है संगीत गीत और डांस की प्रैक्टिस भी की जाती थी, तो सर इसी के साथ मेरा प्रश्न आपसे अगला ये रहेगा कि जैसे हम स्कूल के बाद जाते हैं अपने कॉलेज में अपनी हायर एजुकेशन लेते हैं और उस टाइम भी हमारे जो इंटरेस्ट है वो चेंज होते रहते हैं, हम अपना करियर भी बना रहे होते हैं, तो थोड़ी सी अगर हम आपकी हायर एजुकेशन के बारे में बात करें और उस टाइम की बात करें तो वो किस तरह की थी? जिस मैम देखो जैसे स्कूलिंग की बात हुई तो स्कूलिंग करने के बाद तो जैसे कॉलेज में वो एंट्री हुई जी तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कॉलेज में जो रिकांग पीओ कॉलेज वो नया ही खुला था, मतलब 5-7 साल हो गए थे, तो वहाँ पे कॉलेज में म्यूज़िक सब्जेक्ट नहीं था जी। तो मेरे को तो म्यूज़िक में ही आगे कुछ करना था जी। तो मैं कॉलेज चला गया था। तो मैंने क्या किया कि मैंने आर्ट्स में सिंपल आर्ट्स में एडमिशन ले ली जी। कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के साथ बिल्कुल। तो एडमिशन ले ली। तो जब मैं फाइनल ईयर में पहुंचा जी। तो वहाँ पे म्यूज़िक की क्लासेस शुरू हो गई जी। तो मैं तो बहुत परेशान हो गया बिल्कुल। और मैं फाइनल ईयर में पहुंचा और अब म्यूज़िक आ गया जी। तो मैंने सारा ड्रॉप कर दिया मैम फाइनल ईयर से। मैं दोबारा फिर फर्स्ट ईयर में री एडमिशन ली मैंने जी। हाँ तो वहाँ से जो आए थे टीचर उन्होंने ही मेरे को ये सुजेस्ट किया था कि तू अब अगर तुझको म्यूज़िक का ही इंटरेस्ट है जी। करना ही यही है जी। तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से कुछ नहीं होगा। तो मैं बिल्कुल। फिर से आया मैम कॉलेज के टाइम में जी। फिर से मैं फर्स्ट ईयर से दोबारा से म्यूज़िक लेके फिर मैंने ग्रेजुएशन की। जी मतलब कहा जाए तो जो म्यूज़िक के साथ आपका जुड़ाव था यस मैम आपने अपनी स्ट्रीम भी उसके लिए चेंज कर दी। यस मैम चेंज कर दिया था और मतलब मैंने जी अपने 3 साल भी ख़राब किए जी म्यूज़िक के लिए। जी यस बिल्कुल मैम सर। इसी के साथ अगर हम अब आपके म्यूज़िकल जो आपका आपका सफ़र रहा है उसकी शुरुआत की हम अगर बात करें, यस मैम तो जब हम म्यूज़िकल सफ़र की बात करते हैं यस मैम तो स्टार्टिंग अगर हम करें, कोई हमारी इंस्पिरेशन होता है, किसी से हम सीखते हैं, हाँ कोई जी हमें इंस्पायर करता है, यस मैम तो जैसे कि आपने बताया कि घर से ही शुरुआत हुई थी, यस लेकिन मैम फिर भी मैं जानना चाहूँगी हाँ जी कि क्या वो ऐसा ज़रिया था जिससे आप इंस्पायर हुए? देखो मैम वही था सबसे पहले तो जो स्कूल के टाइम में और जो घर में थोड़ा सा म्यूज़िकल माहौल था। और दूसरी बात ये है कि जैसे हमारे किन्नौर में जैसे देवी देवताओं के मंदिर होते हैं वहाँ पे फंक्शंस होते हैं बहुत सारे तो हम जाते थे उधर ना फंक्शन के लिए जैसे देवते के मंदिर में। तो वहाँ पे जो ऑर्केस्ट्रा बजता था जी मतलब उसको सुन के कुछ ऐसा हो जाता था कि मतलब एक बहुत शांति मिलती थी या फिर ऐसा लगता था कि इस टाइप के म्यूज़िक को हम प्रिजर्व करके जी पब्लिक तक पहुंचाएं। जी क्योंकि जी जैसे देवी देवताओं के मंदिरों में तो कभी कभार मेला हो रहा है जी मतलब अगर आपने उसको बाद में सुनना है तो उस टाइम रिकॉर्डिंग का वो सिस्टम नहीं था आज के टाइम में तो मतलब जी एंड्रॉयड पे मोबाइल पे जी मतलब बिल्कुल कहीं भी रिकॉर्ड करके हो सकता है। तो उस टाइम ये सोचा मैंने कि मैं उस कल्चर को जी आगे पहुंचाऊं लोगों जी तक। बिल्कुल सर। जैसे कि आप म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं और कई यस सारे मैम जो गाने हैं आपके थ्रू आपने बनाए हैं हाँ और जी हम सुनते भी हैं उनको, तो मैं चाहूँगी कि हम दर्शकों को भी आपके द्वारा बनाया गया कंपोज किया हुआ एक गीत सुनाएं, एक लोकगीत सुनाइए। तो आइए दर्शकों हम सुनते हैं एक गीत।
आम तौर पर जैसे कि हम देखते हैं तो सर अगर हम बात करें तो लोग म्यूजिक से जुड़ते हैं, गाने सिंगिंग से ज्यादा जुड़ते हैं, लिरिक्स से ज्यादा जुड़ते हैं, और कहें तो म्यूजिक बनाने से भी ज्यादा जुड़ते हैं। लेकिन अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं और म्यूजिक डायरेक्टर की बात करूं, तो ये जर्नी आपकी किस तरह से शुरू हुई और किस तरह से आपको इंटरेस्ट आया? मैम देखो, जैसे जैसे मतलब एक वो बोलते हैं ना कि गॉड गिफ्ट जी, मतलब आई थिंक वो रहता है ब्लड में, मतलब ऊपर वाले ने भेजा है तो शायद इसी के लिए भेजा है जी। तभी ये, मैं ये बताऊं कि अगर मेरे को ये नहीं पता है कि म्यूज़िक ने मेरे को अपनी तरफ खींचा या मैंने म्यूज़िक को अपनी तरफ खींचा, मतलब इसके अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता था। जैसे पढ़ाई है वो आपका ज़रूरी है, पढ़ाई के बाद जो भी टाइम बचता था स्कूल में कॉलेज में तो मैं म्यूज़िक में ही लगाता था। जैसे कॉलेज से मैं पास आउट हुआ तो उस टाइम जैसे यूनिवर्सिटी पहुंचा तो तब ये था कि मेरे को लगा कि म्यूज़िक को एक सीखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मतलब जैसे कॉलेज लाइफ में भी, कॉलेज टाइम में भी मैंने म्यूज़िक को सीखा था जी। तो बट उस टाइम उतना नहीं होता क्योंकि एक छोटा सा सिलेबस होता है। और जब मैं यूनिवर्सिटी पहुँचा HP यूनिवर्सिटी MA के लिए, तो मैंने 2 साल के लिए म्यूज़िक करना बंद कर दिया था जी। क्योंकि तब मेरे को म्यूज़िक की गहराइयों का पता चला, तो तब मेरे को लगा कि मैं इसको सीख के और अच्छा प्रिपेयर करके तब मैं प्रेजेंट हुआ जी। बिल्कुल सर, अगर हम आपकी जर्नी की शुरुआत की बात करें, जैसे कि आपने एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर जब अपनी शुरुआत की, तो वो शुरुआत किस तरह से हुई, और अगर हम आपके फर्स्ट एक्सपीरियंस की बात करें एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, वो किस तरह का था? देखिए मैम, घर से मेरे घर वाले तो बहुत परेशान हो गए थे मेरे से जी। जैसे गांव के स्कूल में 10th तक स्कूलिंग वहाँ से हो सकती थी जी। पर बस इसी चीज़ों में फंसा रहा तो मेरे घर वालों ने मेरा स्कूल शिफ्ट कर दिया, प्रोजेक्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भावानगर में, मेरी जो बड़ी दीदी है इंदिरा नेगी, उनको और मेरे को उधर शिफ्ट कर दिया कि वो काफ़ी पढ़ने में बहुत टैलेंटेड थे दीदी, तो मेरे घर वालों ने सोचा कि इस इन दोनों को शिफ्ट कर देते हैं ताकि पढ़ाई की तरफ ज़्यादा कन्वर्ट हो जाए। तो मैं प्रोजेक्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भावानगर में जब मैंने एडमिशन ली तो वहाँ भी वही सिस्टम चला जी। जैसे स्कूल एक्टिविटीज़, और वहाँ पे भी मतलब वो टीचरों ने बहुत सारा अप्रिशिएट किया, नहीं कि ये तुम्हारा हॉबी अच्छा है ना, म्यूज़िक के साथ साथ आप ये करो। तो उसके बाद धीरे धीरे मैम, जब मैं प्रोजेक्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भावानगर में पढ़ता था तो मैंने वहीं पर कुछ छोटे मोटे सेटअप जोड़ के मैंने एक एल्बम बना दिया था जी। हाँ, तो तब मैं 13 साल का था जी। तो वहाँ पे मैंने कुछ एल्बम कुछ मैंने वो कर दिया कलेक्शन, और घर आके जो भी सिस्टम था उस पर मैंने वो फाइनलाइज कर दिया। फाइनलाइज किया तो मतलब उस एल्बम का नाम था नूरिया हो रिदंग, जो मेरे गांव की एक लड़की से गवाया था जी। तो बहुत एफर्ट लगाया उसके पीछे। सबसे पहले तो मैम देखो कि वोकल करना है, फिर म्यूज़िक करना है, वो लाइव रिकॉर्डिंग का दौर था। मतलब ये होता था कि मतलब आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट हो गया, तो आज के टाइम में तो मतलब ऐसे कर सकते हैं आप कि आज एक लाइन गा लो, 5 दिन बाद दूसरी लाइन गा लो, तो वो टाइम ऐसा नहीं था मैम। वो टाइम अगर 60 मिनट का एक कैसेट होता था, ऑडियो कैसेट, तो आपको मतलब ए और बी साइड 30 मिनट, तो आपको 30 मिनट लाइव गाना और लाइव बजाना और लाइव रिकॉर्डिंग करना पड़ता था, तो वो मुश्किल था। तो वो किया तो फिर उसके बाद ये बात रही कि हमने रिकॉर्ड तो कर दिया, एक मास्टरपीस बना दिया है, अब इसको पब्लिक तक कैसे ले जाएं जी। तो उसके लिए मतलब ये उसके कैसेट कॉपीज का जो सिस्टम रहता है, फिर वो अरेंज किया, और उसके जो बाहर से जो रैपर होता है उसका वो मतलब बहुत मतलब टफ था वो टाइम, बहुत मुश्किल दौर से गुजरा हूँ मैं। और ये होता है कि इंसान ने जो कोई काम चूज़ किया है अपनी तरफ से जी, है ना, जो हॉबी है, तो उसमें इंसान जब मेहनत करता है उसमें ठोकरें भी लगती है, तो वो लगता नहीं है मैम कि ये ठोकरें लग रही है क्योंकि खुद ने चूज़ किया है ये काम। मतलब कहा जाए तो हम हार्डवर्क खुद करते हैं और वो जो है काम हम देखते भी है, उसका रिजल्ट भी आता है। तो सर अगर हम बात करें एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, तो जैसे कि आपने कहा कि इसमें कई सारी चीजें हैं, लिरिक्स भी है, सिंगर भी है, म्यूजिक बनाना भी है, तो किस तरह का एक म्यूजिक डायरेक्टर का कार्य रहता है? जैसे कि हमारी यूथ, जो हमारी यूथ है वो जाना चाहेंगे म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो किस तरह से समझे कि म्यूजिक डायरेक्टर एक किस तरह से कार्य करते हैं? देखो मैम, ये एक अकेला इंसान जो एक गाना बनता है, कोई भी गाना मतलब हम देखते हैं यूट्यूब पे या कुछ में, तो उसमें बहुत सारे मतलब टीम का मतलब वो साथ रहता है, मतलब अकेला इंसान मतलब कुछ नहीं कर सकता। जैसे जस्ट एक मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ या मैं एक कंपोजर हूँ, तो इसका मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये है कि
आपने पहले सिंगर चूज़ किया कि मतलब आपने उस गाने को जो आप बनाने वाले हैं किस सिंगर से गवाना है, उस सिंगर के फील को नोट किया आपने कि किस टाइप का सिंगर है या किस टाइप की सिंगर है, मतलब अगर वो गाएगी इस गाने को तो कैसा गाएगी। सबसे पहले सिंगर फाइनल किया, उसके बाद मैम कंपोजिशन पे आती है ना कि कंपोजिशन कि आप कैसे गाना बनाते हैं, मतलब जैसे पहले लिरिक्स बनाया ठीक है, मतलब पोइट्री टाइप, फिर उसको आपने कन्वर्ट किया फिर धुन में, मतलब धुन लगा के उसको एक गाना बना दिया पोइट्री को ठीक है। फिर उसके बाद ये देखा जाता है मैम कि इस गाने को सजाने के लिए है ना इस पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाए, मतलब गाना खुद डिमांड करेगा कि मेरे को कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, तो इस टाइप से जो गाना तैयार होता है। फिर उसके बाद सिंगर को बुला के फिर रिकॉर्ड किया जाता है, फिर मिक्स मास्टर प्रोसेस, और उसके बाद जो विजुअल है वीडियो का वो प्रोसेस। मतलब शुरुआत अगर हम कहें तो सिंगर से होती है और लिरिक्स से होती है। तो सर इसी के साथ जैसे कि आपने इतने सारे गाने बनाए हैं तो मैं चाहूंगी कि हम अपने दर्शकों को आप ही के द्वारा बनाया हुआ एक और गीत सुनाए। तो आइए दर्शकों सुनते हैं एक गीत। दर्शकों हमने देखा एक गीत और लोकगीत की जब भी हम बात करते हैं, हिमाचल के लोकगीत की बात करते हैं, तो ट्रेडिशन हम उसमें देख पाते हैं, कल्चर हम उसमें देख पाते हैं, और जब हम रंगों की बात करते हैं अपने इस कार्यक्रम में वो रंग हम अच्छे से देख पाते हैं। तो सर जैसे कि हम अभी कल्चर की ही बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं टाइम चेंज हो रहा है, ज़माना चेंज हो रहा है, और जो यूथ है, जो टाइम है, जो जनरेशन है, वो थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन की तरफ भी जा रही है। लेकिन जैसे कि हम आपके गीतों में देख पा रहे हैं कि कल्चर हम देख पा रहे हैं, और कल्चर हम गीत से देख पा रहे हैं, संगीत से देख पा रहे हैं, पोशाक से देख पा रहे हैं, और अगर हम किन्नौरी कल्चर की भी बात करें तो वो काफ़ी रिच है, और हिमाचल का कल्चर भी काफ़ी रिच है। तो सर ये जो कल्चर है, कल्चर से जुड़ाव कितना ज़रूरी है, और इस बदलते समय की अगर हम बात करें तो अपने कल्चर से हमें क्यों जुड़ना चाहिए और क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए मैम, कल्चर तो सबकी लाइफ में एक कलर डाल देता है जी। बिना कल्चर के तो रूखा सूखा है आदमी। बिल्कुल। तो बात रही जो वेस्टर्नाइजेशन की, तो अपने कल्चर को छोड़ के जाना जी, वो एक बहुत गलत बात है जी।
जैसे कल्चर का जो है, मतलब कल्चर इंसान के ब्लड में बिल्कुल ऐसे होता है बसा हुआ, जैसे कि बिल्कुल हमारी बर्थ होती है तो उसके बाद हमने वही देखा होता है, वही कल्चर, वही सुना होता है, वही गाने, है ना, वही ड्रेस। तो फिर आपने जब अपने कल्चर को अडॉप्ट किया, जैसे जैसे आप बड़े हुए, जी आप मतलब अडॉप्ट करते गए उस चीज़ को, तो जैसे आप बड़े हुए, चलो मान लो बात म्यूज़िकल कि कोई सिंगर है, जी उसने कोई अपने कल्चर के गाने गाए और मतलब काफ़ी हिट हुआ, फेमस हुआ, जी और उसके बाद जो वेस्टर्नाइजेशन वाली जो बात आती है ना, तो मैं जी ये कहना चाहूँगा कि वो तो एक कल्चर पे वेस्टर्न म्यूज़िक का अटैक है, जी बिल्कुल अटैक है। जी ठीक है, म्यूज़िक के कई टाइप्स है, जी जैसे वेस्टर्न म्यूज़िक के पाश्चात्य संगीत है, हिंदुस्तानी है, जो भी है आपका फोक है, ये सारे एक है तो पहलू है म्यूज़िक के, है तो म्यूज़िक ही है, जी बट जी हमारे को ये देखना होता है कि किसी भी म्यूज़िक पे, किसी भी कल्चर पे किसी और म्यूज़िक का अटैक ना पड़े। जी बिल्कुल जैसे हम अगर कोई गाना बनाते हैं, आपने अभी बता ही दिया कि मतलब कल्चर को ध्यान में रखते हुए वहाँ बिल्कुल के वाद्य यंत्रों को हमने दिखाया है, जी मतलब वहाँ के हिसाब से गाना बनाया है उधर का ट्रेडिशन को ज़िंदा रखने के लिए, जी तो वेस्टर्नाइजेशन मेरे ख्याल से ये है कि चलो टाइम बदलता है, टाइम बदल रहा है, जी कि जो अब ये भी हुआ कि सोर्सेज आ गए, प्लेटफॉर्म्स आ गए, पहले ये था कि रेडियो सुनते थे लोग बिल्कुल या कैसेट सुनते थे, जी तो उस टाइम एक लिमिटेड वो था लिसनिंग ना, जी कि वेस्टर्न सुनने को भी बहुत कम मिलता था। आज के जी टाइम में यूट्यूब है, अदर प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म्स है, तो अब हमारे को फ्री में सुनने को मिलता है, तो थोड़ा सा उसका इफेक्ट हमारे में आ जाता है कि जी हम इंग्लिश भी सुने, हम बॉलीवुड को भी सुने जी और अपना कल्चर। पर मैं टोटली, मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा इस बात पे कि वेस्टर्नाइजेशन, अगर वेस्टर्न म्यूज़िक अच्छा लगता है आप सुनो, जी ठीक है, आप कंपोज भी करो वेस्टर्न म्यूज़िक, जी बट जी उसको अपने कल्चर पे हावी होने मत दो, जी कि मतलब हमारे जो ट्रेडिशनल गानों गाने हैं वो जिंदा रहे, उस पे जी उनका जो साइड इफेक्ट है वो ना पड़े। मैम, जी बिल्कुल सर, जैसे कि हम कल्चर की बात कर ही रहे हाँ हैं, जी, हम चेंज की बात कर रहे हाँ हैं, जी, तो एक म्यूज़िक में आजकल जो ज़्यादा प्रचलन में है हाँ चेंज, जी, वो हम देखते हैं रिमिक्स। यस मैम, रिमिक्स की हम बात करते हैं और हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे गाने हैं जो यस मैम, काफ़ी पुराने थे और काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हाँ हैं, जी मैम, लेकिन आजकल इस ज़माने में उनका रिमिक्स कर दिया जाता है, हाँ जी मैम, कभी लिरिक्स चेंज हो जाते हाँ हैं, जी, म्यूज़िक चेंज हो जाता हाँ जी है, मैम, और अगर हम कहें तो धुन भी चेंज हो जाती हाँ है, जी मैम, तो वो किस तरह से सही भी है और अगर हम कहें किस तरह से उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए हाँ जी मैम। या किस तरह से हम रिमिक्स के बारे में जान सकते हैं। देखिए मैम, रिमिक्स तो हो ही रहा है ना, जी मतलब कहीं भी देखो आप, जैसे फोक है उसको रिमेक करते हैं लोग, है ना, वो रिमिक्स का मतलब ठीक है आप करो, अगर आप अपना जो कोई भी ट्रेडिशनल गाना है, अगर आप उसको ठीक है किसी सिंगर ने गाया है, मान लो ट्रेडिशनल गाना, तो अगर आप भी गाना चाहते हैं, कोई भी सिंगर गाना चाहता है, जी तो उसको उसके साथ रिमिक्स या छेड़छाड़ ना करें तो जी अच्छा रहेगा, जैसा है वैसे ही गा लो जी जितना खुद से होता है, जी मतलब ये जी कि उसमें कुछ और ऐड ना करो। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा मैम, राष्ट्रीय गाने, जी बिल्कुल अगर राष्ट्रीय गान के ऊपर हम कोई किन्नौरी गाना बना दे तो जी कितना गंदा लगेगा। बिल्कुल तो वही बात है कि ये रीमेक करो, पर रीमेक में जो गाने का जो कंपोजिशन का जो जी जड़ है, जो आत्मा है, वो जी ना मरे, जी और बाकी रीमेक मेरे हिसाब से तो करना ही नहीं चाहिए, जी किसी भी गाने को रीमेक करो, पर जी बस बात वही है कि उस गाने की आत्मा ना मरे। जी यस मैम, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम रिमिक्स करते हैं या यस मैम, हम आगे से आगे कुछ नई चीज़ बनाते हैं, तो यस हमें मैम, कल्चर को नहीं छेड़ना नहीं चाहिए, कल्चर छेड़ना को हमें चाहिए, वैसे ही रखना चाहिए यस मैम, और अपने कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए और नई यस मैम, चीज़ें हमें बनानी यस चाहिए। मैम, तो सर, इसी के साथ हम बात करें, जैसे आपने कहा था कि जब आप छोटे थे यस मैम, तो किस तरह से जो है फैमिली चाहती है, हमेशा सबकी फैमिली चाहती है कि पढ़ाई में हमारा बच्चा आगे जाए यस मैम, और पढ़ाई में ही जो है उसका करियर बने, यस मैम, तो जब इस तरह से कलाकार आगे जाना चाहते हैं तो यस मैम, थोड़ी सी कहीं बाधा आती है, कहीं रुकावट होती यस है, मैम, लेकिन फैमिली सपोर्ट किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, अगर हम फैमिली की बात करें, यस पेरेंट्स की मैम, बात करें, शादी हो जाती है, शादी के बाद की अगर हम बात करें, यस तो मैम, वो एक फैमिली सपोर्ट किस तरह से इम्पॉर्टेंट होता है एक कलाकार के लिए। यस मैम, देखो कि अब ये तो आपने बात सही कही कि मतलब फैमिली यही चाहती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, जी इंजीनियर बने, बिल्कुल अब फैमिली को ये भी देखना चाहिए कि बच्चे का रुझान किस तरफ है। बिल्कुल देखिए, पढ़ाई तो अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो तो सबको देखना चाहिए कि सबसे पहले आपका एजुकेशन जी एजुकेशन सही रहे, उसके साथ मैम जैसे ये है कि एजुकेशन के साथ साथ जैसे टीन एजर्स होते हैं, जी
तो वो चलो पढ़ाई में भी अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, उसके बाद जो टाइम बचता है उस टाइम को मिसयूज ना करें, उस टाइम को मतलब अपने हॉबी में लगाए, या तो गेम्स में लगाओ फिजिकली जो भी होगा, और या फिर मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि म्यूज़िक लाइन में उनको एंटर कर दो, मतलब जो हॉबीज़ के लिए। उससे क्या होगा कि जो एक मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मतलब गलत चीज़ों में नहीं जाएंगे बच्चे, नशे में नहीं जाएंगे, है ना। और दूसरी बात है फैमिली सपोर्ट की, जो मैडम आप बात करें तो बहुत मुश्किल होता है जी। क्योंकि अब मैं अपनी बात करूँ तो चलो मतलब माँ बाप ने दुनिया में लाया जी, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे जो आजकल के पेरेंट्स है उनके लिए मैसेज है कि अगर बच्चा पढ़ने में भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, अगर वो किसी हॉबीज़ में जा रहा है, मान लो म्यूज़िक लाइन में जा रहा है, म्यूज़िक लिसनिंग में या सिंगिंग में या मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जा रहा है, तो उनको सपोर्ट करो, जाने दो, म्यूज़िक कोई बुरी चीज़ नहीं है। जी, मतलब कहा जाए तो जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। यस मैम। और बच्चों को आगे से आगे जाने देना चाहिए और अपनी कला में उन्हें आगे बढ़ने देना चाहिए। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं जानती हूँ कि हमारे नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में जब हम संगीत की बात करते हैं तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको गीत सुनाएं, तो आइए हम एक और गीत सुनते हैं प्रभु नेगी जी के द्वारा ही कंपोज किया हुआ। तो आइए दर्शकों, एक सुनते हैं लोकगीत। दर्शकों, हमने देखा एक लोकगीत, और जब भी हम लोकगीत को देखते हैं तो मन करता है और भी सुनते ही जाए, लेकिन दर्शकों बातचीत हम करेंगे और अपनी बातचीत को हम जारी रखेंगे। तो सर, जैसे कि हमने अभी इस गीत में भी देखा कि हिमाचल के वाद्य यंत्रों का काफ़ी जो है इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है, लेकिन अगर हम समय की बात करें तो अब अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो एक क्लिक पे हमें जो है, एक बटन पे हमें सारा म्यूज़िक मिल जाता है और सारा म्यूज़िक बन भी जाता है, लेकिन जो हिमाचल के वाद्य यंत्र है वो आज भी कितने ज़रूरी है हमारे संगीत के लिए, हमारे लोक गीतों के लिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मैम, जैसे वाद्य यंत्रों का जो हिमाचल के ना, जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का मतलब थोड़ा सा चेंज है, मतलब इधर कुछ बजता है उधर कुछ बजता है, कुछ चीज़ें कुछ वाद्य यंत्र बेसिक है जी, बिल्कुल, ऐसा ढोलक ढोल नगाड़ा ये सब, बिल्कुल। तो देखिए मैम, जैसे आपने वो जो डिजिटल वाली जो बात करी है कि मतलब एक क्लिक पे म्यूजिक बन जाता है, तो मैम देखो कि जो डिजिटल म्यूजिक है, है ना, जो उसको वेस्टर्न ही बोल सकते हैं हम, जो डिजिटल है, तो उसमें ये जो वाद्य यंत्रों का जो ओरिजिनलिटी है ना, वो आपको महसूस नहीं होगा। जैसे आप डिजिटली इतना कर सकते हैं कि आपने इन इंस्ट्रूमेंट्स को अपने स्टूडियो में ओरिजिनल रिकॉर्ड किया और उसको रीयूज किया, ये हो सकता है, ये ओरिजिनल है। मतलब बात रही जो डिजिटल जो म्यूजिक है, ठीक है, उसमें आपको ये फील नहीं आएगा जो आ रहा है,
जो अभी हमने गाना देखा, ये टोटली मैन्युअली रिकॉर्डेड है, है ना। तो यहाँ के वाद्य यंत्र हिमाचल के किन्नौर का, जो किन्नौर के जितने वाद्य यंत्र हैं उनको यूज़ किया। अगर हम इसी गाने को डिजिटल फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, इन वाद्य यंत्रों को हटा के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स लगाएंगे, तो मैम कल्चर का बहुत बेड़ा गर्क हो जाएगा जी। मतलब वो बात नहीं रहेगी, वो गाना बन के रह जाएगा। बिल्कुल, ये बात है, क्योंकि वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, जो लोकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनका वैल्यू बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा है। मतलब कहा जाए तो हमें आज भी अपने वाद्य यंत्रों को उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए और वेस्टर्नाइजेशन की तरफ भी हमें जाना चाहिए, लेकिन हमें अपने कल्चर से जुड़ना है, अपने वाद्य यंत्रों से जुड़ना है और हमारे कल्चर में जो चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा जुड़ाव हमें रखना चाहिए। वो तो रखना चाहिए मैम। बाकी बात वेस्टर्नाइजेशन की जो हुई, तो ठीक है आप कंपोज करो, वेस्टर्न गाना बनाओ, ठीक है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब अगर आप 10 ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाना बना रहे हैं तो चलो एक वेस्टर्न कर लो, और उसमें भी ऐसा ना हो वेस्टर्न में भी कोई मतलब छेड़छाड़ कल्चर को अटैक पड़े या कोई वल्गरिटी ना हो, मतलब इस टाइप का अगर करना चाहे। अब हम रोक तो नहीं सकते किसी को, तो ये है कि मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि आपके कल्चर के ऊपर उसका अटैक ना पड़े जी। तो इसलिए तो अपने कल्चर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जी। बिल्कुल सर, इसी के साथ जैसे कि आपने बात कही कि आपने 13 साल की उम्र से जो है म्यूज़िक एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर आपने जो है कार्य शुरू कर दिया था, अगर हम बात करें सर टाइम की, तो टाइम काफ़ी चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हुई है, तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो क्या चेंजेस आपने उस समय से इस समय तक देखे हैं, और अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, किस तरह के एडवांटेजेस है, लेकिन जब भी हमें कोई चीज़ एडवांटेज के साथ मिलती है उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज, तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए मैम, वो दौर था जब मैं 13 साल का था, तो मैंने बता दिया था कि एक लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। अगर आपने एक गाना 30 मिनट का बनाना है तो आप जीरो से स्टार्ट होते हैं और 30 मिनट तक आपके सिंगर, आपके इंस्ट्रूमेंट वाले, है ना, रिकॉर्डिस्ट, जो सबको बिल्कुल खड़े काम करना पड़ता था। कि और उस टाइम क्या होता था, अगर 30 मिनट का एक गाना बनाना है आपने, तो अगर आपका 29 मिनट पे कुछ गड़बड़ होता है तो आपको फिर से जीरो से आना पड़ता था सबको जी। अगर गड़बड़ सिंगर से होती है तो उसकी सज़ा सबको मिलती थी, और उस टाइम होता भी ऐसे ही था जी। कि मतलब गड़बड़ हो ही जाता था, मतलब काफ़ी दिन लगते थे मैम। और जो स्टूडियो का, अभी जो आपने बोला कि टाइम चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, तो उस टाइम स्टूडियो काफ़ी बड़े एरिया में हमारे को बनाना पड़ता था, जितने इंस्ट्रूमेंट्स वाले हैं उनके लिए रूम्स या कैबिन्स, वो सो कंट्रोल करने के लिए एक अलग रूम। तो आज के टाइम में तो कुछ नहीं है, एक 10x10 के कमरे में भी मतलब आप पूरा म्यूजिक कर सकते हैं, तो मतलब टेक्नोलॉजी इतना वास्ट हुआ। तो उस टाइम ऐसा होता था कि वो कैसेट रिकॉर्डिंग होती थी, तो धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, धीरे धीरे आपके स्पूल्स रिकॉर्डिंग आने लग गए, 4-track सिस्टम जिसपे आप पहले गा लो फिर बाद में 3 टाइप के म्यूज़िक बजा लो, तो धीरे धीरे वो 8 में कन्वर्ट हो गया, और 16 में, और जो देखो जो फिर जब डिजिटल आया, जो कंप्यूटर रिकॉर्डिंग की जो बात रही मैम, तो ये मैं लेके आया था हिमाचल में सबसे पहले। तो उस टाइम ऐसा था कि हमने लाइव रिकॉर्डिंग की हमने, और उसका वीडियो बनाया, और हम चंडीगढ़ चले गए थे उसके एडिटिंग के लिए। तो उस टाइम मेरे कोई दोस्त मिले उधर, तो उन्होंने मेरे को कुछ सॉफ्टवेयर्स दिए। तो जब हम वापस आए तो मैंने देखा वो सॉफ्टवेयर, जो मैं सोचता था, मैं ये सोचता था कि मैं अकेला मतलब सबका काम कर सकूँ कि ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, और वही हुआ, और वो सॉफ्टवेयर मेरे को मिला, और उस सॉफ्टवेयर पे मैंने काम किया, और मैंने अपने जो स्टूडियो वाले दूसरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर किया। जो आज के टाइम में हिमाचल में जो डिजिटल रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो वो मैम वो मैं लाया था जी। और फिर टाइम चेंज की जो बात कर रहे हैं आप, तो टाइम तो अब बहुत चेंज हो गया मैम, देखो मतलब वही है, अब इन्वेस्टमेंट कम है आपके पास। और आपने बात की मैम टेक्नोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, देखो एडवांटेज जहाँ पे है वहाँ डिसएडवांटेज तो हो गई। देखो आज के टाइम में मैम क्या हो गया है कि लेवल बढ़ गया है, गाने बहुत अच्छे बन रहे हैं, एक अकेला इंसान 20-30 लोगों का काम कर रहा है जी। बट ऐसा कि टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छा आ गया, पर जो डिसएडवांटेज है इसका ना, पर इंसान तो एक ही जगह खड़ा रह गया, बिल्कुल इंसान में जो क्रिएटिविटी थी ना जी, वो ख़त्म हो गया जी। अब मैं बात करूँ इस टाइम किसी भी सिंगर को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर जो है म्यूजिशियन, हम उनको बोलें कि आप आधे घंटे का परफॉर्मेंस दो जी, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये, बिल्कुल, क्योंकि अब वो कट कट सिस्टम से रिकॉर्ड करने की आदत होगी। पर ये कि मतलब
वो तो बहुत टाइम, ये जो आपका क्वालिटी क्वालिटी तो बहुत बढ़ गई, पर इंसान बहुत सुस्त हो गया जी। इससे मतलब कहा जाए कि जो टेक्नोलॉजी है एडवांटेजेस तो लाई है, लेकिन साथ ही उसके डिसएडवांटेजेस भी है, और हम कहें तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं म्यूज़िक की ही, तो मैंने जैसे कहा कि हमारे दर्शक चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें संगीत सुनाए दिखाए, तो आइए दर्शकों एक और जो गीत है आपको हम दिखाते हैं और सुनाते हैं, तो आइए देखें एक गीत। दर्शकों हमने देखा एक सुंदर, बहुत ही सुंदर लोकगीत, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हम कल्चर की बात करें, रंगों की बात करें, तो कई सारे रंग हमने देखे, हम पोशाक देख रहे हैं, हम वाद्य यंत्र देख रहे हैं, और साथ ही अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो ये सारे रंग हम देख पा रहे हैं। तो सर अगर हम बात करें, अगर हम आजकल की, जैसे हम टाइम की ही बात कर रहे थे, तो अगर हम आजकल बात करें म्यूज़िक एल्बम्स की, म्यूज़िक वीडियोज़ की अगर हम बात करें, तो हम देख पाते हैं कि हमारा फोक सॉन्ग तो चलता है, हमारी लैंग्वेज में अगर हम फोक की बात करें वो तो हाँ चलता है, लेकिन साथ ही अगर हम बात करें वीडियो की, तो हम देखते हैं कि उसमें कल्चर को, अगर हम पोशाक की बात करें तो वो हम थोड़ा सा कम देख पाते हैं, और थोड़ा सा जैसे कि हम देखते हैं वेस्टर्न ड्रेसेस हम ज़्यादा देख पा रहे हैं आजकल, और जैसे कि हमने अभी आपके जो गीत है उसमें देखा कि कितनी खूबसूरत जो है पोशाक पहनी थी, कि नौरी जो ड्रेस है वो पहनी थी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि कल्चर को समझना, कल्चर के हर पहलू को समझना और उसे दर्शाना कितना ज़रूरी है संगीत के साथ? ये बहुत ज़रूरी है मैम, बात वही हुई जैसे हमारे जो सांस्कृतिक गीत है, जो भी है ट्रेडिशनल गाने, उन पे जो वेस्टर्नाइजेशन का जो अटैक वाली जो बात कर रहा था मैं, वो यहाँ वीडियो में सेम वही बात है कि देखो विजुअल तो बहुत ज़्यादा काउंट करता है लाइफ में, एक सुनना और उससे ज़्यादा देखना। हम जैसे हिमाचली वीडियोस में काफ़ी देखता हूँ, जैसे हमारे किन्नौर के भी मैं वीडियोस काफ़ी देखता हूँ, हमारे छोटे भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब देखो वो ध्यान रख रहे हैं कल्चर का, और मतलब प्रॉपर जो किन्नौर का जो कॉस्ट्यूम है, कल्चर है, उसको पहना के कर रहे हैं। और जैसे अदर्स की भी जो बात करूँ, अदर डिस्ट्रिक्ट की भी, वो कोशिश कर रहे हैं मैम, कोशिश हर सिंगर, कोई भी सिंगर या एक्टर है, वो कोशिश ये कर रहा है कि मैं अपने कल्चर को सामने लाऊं। बट ये है कि मैम देखो हिमाचल में वैसे सिंगरों के साथ काफ़ी दिक्कतें भी है, जो फाइनेंशियल जो है यहाँ पे हिमाचल में, कि ज़्यादा शोज नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से एक हिमाचल का जो कलाकार है कहीं ना कहीं जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है वीडियो में, वो वेस्टर्न ड्रेस या मतलब कुछ भी जो कल्चर को नहीं दिखा पा रहा है, तो वो उसकी मजबूरी हो सकती है। बट ये कि मैं बोलना चाहूँगा उनको कि कोशिश करो कम ही दिखाओ, पर अपने कल्चर को ज़्यादा दिखाओ।
जी, वो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। सर एक मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बहुत छोटी उम्र में जो है संगीत के साथ जुड़ गए थे आप, और अभी तक संगीत के साथ जुड़े हैं, जी मैम, तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि संगीत में कितना चेंज आया है, और श्रोताओं की अगर हम बात करें उनमें भी क्या आपको चेंज देखने में मिला है? देखिए मैम, संगीत में बहुत चेंज आया है जी। मैं बताऊं कि जो 80s की, मैं किन्नौरी गानों की बात करूंगा, जो 80s या 80s से पहले, मतलब कुछ इस टाइप के गाने बनते थे उस टाइम जी। नरजीनिस लोले तो शाले आमायो ले आली मा, देखो मतलब अप डाउन बहुत है इसमें जी, है ना, डीप है, मतलब देखो आप तो सप्तक की भी बात करें तो इधर उधर मतलब लो से हाई चला जाता है जी। तो उसके बाद देखो मैम, जैसे 10-15 साल बाद मतलब कॉम्पोजिशन और लिरिक्स बहुत इजी हो गया जी। फिर उसके बाद आया जैसे 90s के टाइम में, वाली बेईमानी, देखो इजी हो गया जी, है ना, टाइम के हिसाब से। और मैं जैसे बीच का टाइम स्किप करके मैं सीधे आज के टाइम पे जाता हूँ, तो क्या हुआ है कि देखो अप डाउन पब्लिक भी ज़्यादा सुनना नहीं चाहती जी। और दूसरा स्ट्रेच, मतलब जैसे टाइम नहीं है, टाइम कम है लोगों के पास। उस टाइम लोग कैसेट खरीदते थे और सुनते थे, तो कैसेट को मतलब सुन के वो कैसेट खराब हो जाता था और फिर दूसरा खरीदते थे। तो आज के टाइम में ये है कि कॉम्पैक्ट, मतलब बस आप 3-4 मिनट का गाना बनाओ जी। और 3-4 मिनट का गाना बनाओ और वो अच्छा करो, अपना कल्चर दिखाओ, बस यही मैम। जी बिल्कुल सर, अगर मतलब कहा जाए तो हम कल्चर के साथ, टाइम के साथ जो है म्यूजिक भी चेंज हुआ है, और अगर हम श्रोताओं की बात करें वो भी थोड़ा सा जो है चेंज हुआ है, उनमें भी म्यूजिक में भी चेंज आया है। तो सर आज हमने बात की आपसे म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमने नई नई बातों को जाना, म्यूजिक के नए पहलू को जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू मैम। और इसी के साथ दर्शकों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। लेकिन इतना ही नहीं, हम चाहेंगे कि हम जाते जाते भी आपको एक सॉन्ग सुनाते हुए जाए, एक गीत सुनाते हुए जाए। तो दर्शकों अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन आपके लिए एक सॉन्ग हम प्ले करते हैं, एक गीत आपको सुनाकर जाते हैं।